स्वागत है आपका एशिया न्यूज इंडिया में। मैं अरुण कुमार गोस्वामी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त गोविंदपुर प्रखंड के रॉय एकेडमी के पास खड़ा हूँ, जहाँ क्लासेस को ओपन कर दिया गया है। आखिर क्लासेस को ओपन करने के लिए जो भी क्राइटेरिया है, मतलब मास्क, सैनिटाइज और क्लासेस को अच्छे तरीके से फुल ट्रेनिंग स्क्रीनिंग बच्चों का हुआ है कि नहीं हुआ, हम यहाँ के प्राचार्य से बात करेंगे। आइए फिर फिलहाल के लिए इतना बता देते हैं कि जो स्कूल का जो ओपन हुआ है 10th से लेकर 10th तक के क्लासेस को ओपन किया गया, आखिर बच्चों की सुविधा का और सुरक्षा का को ओपन किया गया, आखिर बच्चों को क्लासेस में बुलाया जा रहा है तो आखिर उनकी सुरक्षा का क्या कुछ इंतजाम किया गया, थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम है या नहीं, और बच्चों को जिस तरह से अभी मैंने ऊपर जाके देखा कि बच्चों को कोरोना के जो गाइडलाइन है उनकी दूरी के साथ बिठाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो आइए हम यहाँ के प्राचार्य से भी जानते हैं कि सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया। पहले तो सर आपका एशिया न्यूज़ में स्वागत है सर। जी जी जी। जो गुड मॉर्निंग सर। वन से कितने क्लासेस? 6 to 8 अभी खुला है, उससे पहले 9 to 10 खुला हुआ था हमारे स्कूल पे। और उनकी सुरक्षा का क्या कुछ इंतजाम किया गया? हाँ, सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है, सैनिटाइजर जगह जगह पे लगाया गया है और थर्मल स्क्रीनिंग करके ही अंदर लाया गया है, और गाइडलाइन के मुताबिक सबका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबसे लिया गया है। तो क्लासेस और भी खुल सकते हैं या 6 से 8 10 तक? मेरा होप है कि 6 to 8 10 अभी से खुला है, और हाल ही में लगता है कि अक्टूबर शायद 1 से भी खोल देंगे सरकार, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं बच्चे में सारे एक्टिव भी बहुत अच्छे हैं। अभी क्लासेस का समय मतलब जो खत्म होने का वो कितने बजे तक है? क्लासेस का जो समय है वो 12 o'clock में खत्म होने का है, 8 to 12। तो आज लगभग कितने विद्यार्थी यहाँ पे आए होंगे, आपने इसका निरीक्षण? हाँ हाँ, इसका निरीक्षण अभी नहीं, लेकिन फिर भी जब हम देखें एटलीस्ट हम लोग जितना नो ऑब्जेक्शन दिया था उतने ही बच्चों को अभी अलाउ किए हैं, बाकी फिर आता रहेगा उस हिसाब से फिर। मतलब कैसे बच्चों को बुलाया गया? आधा स्टूडेंट को एक साथ बुलाया? नहीं नहीं, पहले स्टूडेंट को एक साथ बुलाया जा रहा है। पहले नो ऑब्जेक्शन के लिए सबको लेटर प्रोवाइड कर दिया गया, जो लिख के जमा किए हैं उसी हिसाब से उसका क्लास चालू कर दिया गया, और बाकी ऑनलाइन भी थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरा ऑफलाइन हो जाएगी और सारे बच्चे आ जाएंगे। स्कूल में कुल शिक्षक कितने? इस स्कूल में टोटल हमारे पास 15 शिक्षक हैं। सारे शिक्षक वही उपस्थित हैं? हाँ, अभी 6 to 5 तक का टीचर्स अभी अलाउ नहीं है, वो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, और बाकी 6 के बाद जितने टीचर्स हैं सारे अवेलेबल हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर। जैसा कि आपने देखा, हमने स्कूल के प्राचार्य से अभी बात किया, इनका क्या कुछ कहना था आपने अभी सुना। इनका कहना था कि बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग के साथ अंदर किया जा रहा है, और मास्क सैनिटाइजर का प्रॉपर इंतजाम किया गया बच्चों को, और जो बच्चों को जो बिठाया गया स्कूल में वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया, मतलब कोरोना के फुल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रॉयल एकेडमी अपने क्लासेस को चालू किया है। फिलहाल तो 6 और 8 तक के ही क्लासेस चल रहे, आगे आगामी क्लासेस ओपन कब तक होंगे इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल के लिए मुझे दे अनुमति, ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया। मैं अरुण कैमरामैन से एक बार गुजारिश करता हूं कि यहां के बच्चों का पिक देखा आखिर किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ, एक बेंच में सिर्फ 2 स्टूडेंट को ही बिठाया जा रहा है। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहता हूं एक बार बच्चों का पिक दिखाए, आखिर देखिए इतनी बड़ी बेंच में सिर्फ 2 बच्चे को बिठाया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और सभी लोग मास्क का भी पालन किए हुए, और सभी का डेस्क पे भी देख सकते हैं एक सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, मतलब प्रॉपर गाइडलाइन के साथ ये स्कूल अपना कॉलेज को स्कूल चालू किया है 6th class से 8th class तक का। आखिर हम यहाँ के बच्चे से जानेंगे कि जो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित कुंभकार है। आज आप लोग कितने बजे यहाँ पे स्कूल आए हैं? लगभग टाइमिंग क्या था? 8 AM। 8 AM अभी तक हम लोग क्या कुछ पढ़ा हुआ? मैथ्स में पढ़ा हुआ और SST में हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो स्कूल को चालू किया गया, आप लोग अपने ओर से क्या इंतजाम किए गए यहाँ पे आने के लिए? मास्क लाए, मास्क लाए, सैनिटाइजर लाए, और प्रॉपर डिस्टेंस में। और सर की ओर से कोई थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह? वो तो नहीं है सर, ने थर्मल स्क्रीनिंग नहीं करा स्कूल में। जैसे तो मैंने तो अभी प्रचार से बात किया कि थर्मल स्क्रीनिंग का प्रॉपर इंतजाम किया गया स्कूल में। हाँ, किया गया। किया गया, चलिए ठीक है। आइए मैं किसी और दूसरे बच्चे से जानता हूँ। मैम आपका नेम? माय नेम इज अदिति सिंह। आपका नेम? अदिति सिंह। क्लासेस? क्लास 8। आप स्कूल में आने से पहले खुद के लिए मतलब कितना प्रॉपर हुए थे आने के लिए स्कूल? स्कूल आने से पहले सैनिटाइजर बैग में, बैग पूरा क्लीन, बैग में सैनिटाइजर, बुक कॉपीज में सैनिटाइजर और मास्क सब। और अभी कितने क्लास तक का पढ़ाया हुआ आप लोगों का, मतलब कितनी क्लासेस? थर्ड पीरियड हो रही है। टीचर आते हैं क्लास में? यस। अभी किसकी पीरियड है क्लासेस में? टीचर नहीं दिखे? राजीव सर। अभी आए नहीं है क्या? ये मैम ही है। और मैम की क्लास है? हाँ। चलिए आपका बहुत।
जैसा कि आपने देखा कि बच्चों को बताया गया था कि जिस प्रकार फुल सैनिटाइजर और मास्क के साथ क्लासेस को ओपन किया गया, ये बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ से बच्चों से भी निरीक्षण किया। आइए हम यहाँ से मैम से भी कुछ दो प्रश्न कर लेते हैं। मैम आपका नेम क्या हुआ? मेरा नाम मिस चंदना कुमारी हुआ। इस क्लासेस जो ओपन हुआ मतलब 6 to 8 तक कहीं ओपन हुआ, मतलब फ्यूचर में आगे भी कुछ ओपन होने का कुछ प्लान है जो 1 से लेकर 12 तक हो सके? अभी तो फिलहाल देखिए आज पहली बार 6 to 8 ओपन किया गया है, और मतलब सुरक्षा को दृष्टि में देखते हुए, क्योंकि जो बच्चों पे ज़्यादा खतरा बताया गया था तो उसके लिए अभी 6 to 8 हुआ है। लेकिन जहाँ तक 1 से बाकी क्लास का सवाल है तो उसमें यही लगता है कि उसमें और कुछ महीने लग जाएंगे, तो उसको अभी संभावना यही लग रही है। तो सरकार का गाइडलाइन अभी 6 to 8 तक का ही ओपन करने का था, और आगे यदि सरकार का गाइडलाइन है कि नहीं स्कूल 6 to 8 को भी बंद कर दिया जाए तो स्कूल फिर से बंद कर दिया जाएगा? ये तो सिचुएशन पे मतलब रहेगा कि सिचुएशन क्या हो रहा है। जैसे पिछली बार जो बंद कर दी गई थी कक्षाएं, तब केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि झारखंड में तो उतने केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि शिक्षा पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे ऑनलाइन मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके कारण ऑफलाइन बहुत जरूरी है, तो ये होना चाहिए क्लास। जिस प्रकार तीसरी लहर आ चुकी है रांची में, लगभग 10 से 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है, इस प्रकार स्कूल सही करना कितना सही और कितना गलत है? जी, स्कूलों को खोलना स्पेशली मतलब सीनियर बच्चों का, ये मतलब बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, तो स्कूलों को खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले देखिए 1.5-2 साल से स्कूल बंद है और बच्चों का शिक्षा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और बच्चों का मतलब वो पिछड़ते जा रहे हैं, तो मतलब उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्लासेस शुरू होना। ये मतलब सरकार जो कर रही है, 6 तक खोली हैं, वो मतलब एक अच्छी पहल है, इसको ओपन होना चाहिए। जी, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ का मैम से बात किया, मैम का कहना है कि यदि स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा तो बच्चों को जो सीखने की क्षमता होती है वो दिन प्रतिदिन घटते जाती है। जब बच्चे स्कूल आते हैं और स्कूल में अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो ऑनलाइन जो पढ़ाई होता है उससे कितने समझ पाएंगे? ऑनलाइन एग्जाम से बच्चों की जो सीखने की क्षमता होती है इसलिए वो कम हो जाती है, इसलिए ये सरकार की एक अच्छी पहल है कि कम से कम 6 to 8 तक क्लासेस को ओपन कर दिया गया है।